हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको विजिट कराने जा रहा हूँ एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्लांट या फैक्ट्री जिसमें हीट ट्रीटमेंट की सारी प्रोसेस परफॉर्म होती है। हीट ट्रीटमेंट की सारी प्रोसेस आप समझते हो, टेम्परिंग है, एनलिंग है, क्वेंचिंग है, कार्बोराइजिंग है, तो ये किस तरह से परफॉर्म होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी अंडरग्राउंड फर्नेस लगी हुई थी और जो फर्नेस थी वो सारी गैस फायर्ड है ना, जिसमें CNG एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा था। और आप इस वीडियो में पूरे में देखेंगे किस तरह से वर्कपीस जो होते हैं जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, डायमीटर बहुत ज़्यादा होती है, किस तरह से उनको फर्नेस के अंदर लोड करते हैं, किस तरह से अनलोड करते हैं, कितना टाइम लगता है, और जैसे कार्बोराइजिंग का प्रोसेस है उसके बाद क्या मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं उसकी सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कपीस है और वर्कपीस को क्रेन के थ्रू ले जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये वर्क पीस रखे हुए हैं। इस तरह का आपको सेटअप बनाना पड़ता है, उसके ऊपर वर्क पीस को पुटअप करना पड़ता है और उससे हैंग भी कर सकते हैं। तो ये सॉफ्ट लो, चूँकि इनका साइज़ ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इनको इस कंटेनर में ले जाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं क्रेन किस तरह से ऑपरेट की जाती है। बेसिकली इसमें चार फंक्शन होते हैं, लेफ्ट राइट किस तरह से ले जाना है और वर्टिकली अप एंड डाउन किस तरह से ले जाना है इसको। ये आप देख सकते हैं दूसरी क्रेन है, दो क्रेन यहाँ पर लगी हुई हैं क्योंकि तीन चार फर्नेस हैं तो उनको लिए अलग अलग डिफरेंट क्रेन की ज़रूरत पड़ती है। ये आपने हुक है क्रेन का और इस हुक को इससे लगा दिया। अब ये दूसरी क्रेन इसको बेसिकली ले जा रही है और इसको फर्नेस में इंसर्ट किया जाएगा। ये इस तरह के आप देख सकते हैं ये वास्केट हैं जिनको कि फर्नेस में इंसर्ट किया जाता है और इसके ऊपर अंदर वर्कपीस को रखा जाता है और इसके ऊपर आप वर्कपीस को हैंग भी कर सकते हैं, टांग सकते हैं। ये फर्नेस आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी फर्नेस है और इसका जो डायमीटर 3 से 4 फीट इसका डायमीटर है और यदि हम इसकी डेप्थ की बात करें गहराई की तो करीब 7 से 8 फीट इसकी गहराई है। और आप देख सकते हैं ये जो थिकनेस है ना, इसमें बीच में क्या रहता है, इंसुलेशन भरा रहता है और ये आपने इसको अंदर इस तरह से डाल रहे हैं, फिर इंसर्ट करने के बाद इसका जो कैप होता है ना, ये इसका टैंपिंग परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो इसका कैप होता है कैप को इसके ऊपर कवर कर देते हैं और ये जो इसका कैप है फर्नेस का, ये बेसिकली हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है, हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है उससे ये ऑपरेट हो रहा है, इसको ओपनिंग क्लोजिंग के लिए भी, और इस तरह से इसको माउंट कर सकते हैं। अब आपने इसको बंद कर दिया और इसमें कंटिन्यूसली हीटिंग चलती रहेगी। ये मैंने थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश की है कि फर्नेस की गहराई बहुत ज़्यादा दिखा तो नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं ये जो फ्लोर है, फ्लोर के अंडरग्राउंड में उसकी डेप्थ थी। ये देख सकते हैं दूसरी तरफ से मैंने इसका सेटअप, यहाँ पे नीचे अभी दिखा रहा था हाइड्रोलिक सिलेंडर था और उस हाइड्रोलिक सिलेंडर से ये आपका ऑपरेट होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से चालू और बंद करने का सेटअप है, जो स्टार्टर लगा हुआ है। और ये जो येलो कलर की लाइन देख रहे हैं ये बेसिकली CNG की लाइन है, इसमें CNG आती है और ये जो CNG आती है इस CNG को हम फर्नेस में सप्लाई करते हैं। ये फर्नेस में सप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर ये एक बड़ी फर्नेस है और इस फर्नेस में सप्लाई होने के बाद ये यहाँ पर जो इसके अंदर वर्कपीस होता है उसकी हीटिंग की जाती है और ये थोड़ा सा जो एयर वगैरह की वजह से अंदर प्रेशर जनरेट ना हो उसके लिए फ्यूम्स कंट्रोल से बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर इस ये जो CNG है इस फर्नेस में आया, इसके बाद इस CNG को हम यहाँ पे दूसरी फर्नेस में पास कराते हैं। पहले ये अपनी हीट वहाँ पे देगा पहली फर्नेस में, दूसरा ये जो दूसरा फर्नेस है ये भी कनेक्टेड है उससे, ठीक, और उसके बाद ये वाटर है क्वेंचिंग के लिए, क्वेंचिंग करते हैं इसमें। और इस वाटर को ठंडा करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, ये ऑयल के लिए है, इसमें ऑयल क्वेंचिंग के लिए। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा ऑयल कितने नंबर का यूज़ होता है, किसी ने पूछा भी था मुझे, तो ये ऑयल है और ऑयल
को कंटिन्यूसली ठंडा करने के लिए यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। बेसिकली पानी है, पानी से ऑयल को आप कूलिंग परफॉर्म कर रहे हैं। अब देख सकते हैं, और जो उसके जो फ्यूम्स हैं वो निकल रही हैं, और इसमें चूँकि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है तो इसमें फ्यूम्स काफ़ी निकलती हैं, तो आपका वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है, ऊपर इंसुलेशन रखा हुआ है। ये जो फर्नेस मैं अभी ये दिखा रहा हूँ, ये बहुत गहरी फर्नेस थी, मतलब इसकी जो डेप्थ है वो करीब 18 फीट है, मतलब तो 18 फीट तक के वर्क पीस को ये बहुत आसानी से अकोमोडेट कर सकता है। ये कॉटन है, ये एज ए इंसुलेशन का काम करती है आपका। ये चूंकि जो वर्क पीस है उसका एक पोर्शन ही हमको और टेम्परिंग परफॉर्म करना था, इसलिए ये वाला पोर्शन बाहर रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, इसका जो कवर है उसके ऊपर जो हेड है ना, उसके ऊपर हाइड्रोलिक सिलेंडर से तो ऑपरेट हो ही रहा है, उसके अलावा ये मोटर लगा हुआ है, मोटर से बेसिकली स्टरर घुमा रहे हैं या फैन घुमा रहे हैं, जिससे बेसिकली क्या हो सके, यूनिफॉर्म उसकी हीटिंग हो सके, या जो कार्बोराइजिंग प्रोसेस होती है वो यूनिफॉर्मली हो सके। कार्बोराइजिंग का आप समझते हैं, जो कार्बन होता है वो सरफेस के अंदर डिफ्यूज़ किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये स्टरर है जो कि घुमाता रहता है, जिससे जो हीटिंग है वो यूनिफॉर्मली हो फर्नेस के अंदर। ये मोटर है, और मोटर के जो शाफ्ट है वो इस तरह से कनेक्टेड रहती है इस तरह से। ये जैसे कार्बोराइजिंग परफॉर्म हो जाता है, तो कार्बोराइजिंग परफॉर्म होने के बाद जो सरफेस होती है उसको क्लीन किया जाता है, तो ये जो लकड़ी है उसका बुरादा है, इस बुरादे से उसको क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद वो फिर रेडी टू डिस्पैच हो जाता है, मतलब उसको आप कहीं भी भेज सकते हैं जहाँ पे भेजना है। ये आप देख सकते हैं, जो वर्क पीस जिनके ऊपर कार्बोराइजिंग परफॉर्म हुआ है इस तरह से, और कार्बोराइजिंग से आपका हार्डनेस और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। कार्बोराइजिंग को दूसरा केस हार्डनिंग बोलते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थ्रेड रोलिंग की डाई रखी हुई है, और इनके ऊपर भी आपने कार्बोराइजिंग परफॉर्म किया है जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ये ऑयल है मीटा क्वेंच 42, जो कि यूज़ हो रहा है आपका क्वेंचिंग प्रोसेस परफॉर्म करने में। ये और आप देख सकते हैं, कुछ मटेरियल हैं, कुछ वर्क पीस हैं जिनके ऊपर आपने कार्बोराइजिंग परफॉर्म किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये इन पे कार्बोराइजिंग हो चुका है, और अभी इसमें से ये फ्यूम्स निकल रहा है। करीब 1 घंटे तक फ्यूम्स निकलता रहता है, और उसके बाद ये इसको साफ़ कर सरफेस को क्लीन किया जाता है, और फिर वो रेडी हो जाता है। कार्बोराइजिंग ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है प्रोसेस को एकॉम्प्लिश होने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और फर्नेस है। आपका यहाँ पे ऑयल टैंक है, और इस ऑयल टैंक के साथ कूलिंग के लिए भी सेटअप लगा हुआ है। ये ऑयल टैंक को जो ऑयल होता है क्वेंच होता है, उसके बाद कंटिन्यूसली कूलिंग भी करनी पड़ती है, और कंटिन्यूसली कूलिंग करने के लिए वहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। और इसमें क्या है, दो फर्नेस लगी हुई हैं, मतलब एक साइड में एक बॉटम में लगी हुई है इसकी यूनिफॉर्मली हीटिंग करने के लिए। ये प्री हीटिंग के लिए ये फर्नेस है छोटी वाली, और आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ब्लोअर प्रोवाइड किए गए हैं, है ना, जिससे जो फ्यूम्स जनरेट होती हैं वो कंटिन्यूसली बाहर हो जाए, धुआं जो निकलता है वो कंटिन्यूसली बाहर जाता है, अदरवाइज़ वो जो फ्लोर है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। ये आप सीएनजी की लाइन देख रहे हैं, और इस सीएनजी की लाइन से आपका जो गैस है वो इस फर्नेस में आ रही है। इस फर्नेस में दो कम्बशन चैम्बर हैं, एक आपका साइड में और एक बॉटम में। ये साइड वाला है और इस तरह बॉटम में रहता है, और ये फर्नेस यहाँ पे मोटर लगी हुई है, और मोटर से आप स्टरर चला रहे हैं। स्टरर लगाने का लॉजिक ये है कि जिससे जो हीटिंग है वो यूनिफॉर्म हो सके, या कार्बोराइजिंग प्रोसेस है वो कार्बोराइजिंग प्रोसेस यूनिफॉर्मली आकर हो सके। जो सीएनजी गैस है उसके बाद ये फर्स्ट फर्नेस दूसरी से कनेक्टेड रहती है सेकंड वाली से, और यहाँ पे अपनी हीट को ये देता है,
जो CNG बर्निंग हो चुकी है, जो हॉट फ्लू गैसेस हैं, और इसके बाद जो हॉट फ्लू गैसेस होती हैं उनको यहाँ पे ये चिमनी है, इस चिमनी के थ्रू बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है और फिर ये ब्लोअर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ब्लोअर इसको पुल करता है गैसेस को और फिर एटमॉस्फेयर में ये चले जाता है। ये दिखा चुका हूँ मैं पहले ही आपको, ये दूसरी फर्नेस है और इस फर्नेस का अलग से, ये जो 18 फीट गहराई वाली फर्नेस है और इसके लिए अलग से ये चिमनी लगी हुई है। इस चिमनी से जो हॉट फ्लू गैसेस होती हैं उनको बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं हीट एक्सचेंजर है जिसमें आप ऑयल की कूलिंग करते हैं, और ये फिन्स देख सकते हैं। फिन्स बेसिकली किसी भी हीट एक्सचेंजर में लगाते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द सर्फेस एरिया, जिससे क्या है आपको हीट ट्रांसफ़र की रेट है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। ये जो ग्रीन कलर के पाइप देख रहे हैं ये पानी कैरी कर रहे हैं।